रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे व्यूवर्स खुश है, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खुश है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको मेरी कोई भी रेसिपी अच्छी लगे तो। आज मैं बहुत ही मज़े का जूस बनाने वाली हूँ जो हम सबको पसंद है, स्ट्रॉबेरीज का जूस। उसके लिए मैंने 10 से 12 स्ट्रॉबेरीज ली है और मैंने एक लेमन लिया है जिसका मैंने जूस निकाल लिया था, 3 टेबल स्पून चीनी और 10 से 15 लीव्स लिए हैं, ये पत्ते पुदीने के हैं। और बहुत मज़े का रिफ़्रेशिंग जूस है, गर्मियों के मौसम में बहुत मज़ा देता है। और स्ट्रॉबेरीज़ का मौसम जा रहा है, स्ट्रॉबेरीज़ भी जा रही है, तो क्यों ना ये जूस हम बनाकर पिए। और इफ्तारी में मज़ेदार जूस पीने का अलग ही मज़ा है। जाहिर सी बात है, रूह अफ़ज़ा वगैरह जूस पीकर हम थक चुके हैं, तो कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें अगर रोज़ इफ्तारी में पीने मिले तो मज़ा दुबाला हो जाता है। ये जो स्ट्रॉबेरीज़ है ना, मुझे तो खाने में भी बहुत पसंद है और यकीन मानिए देखकर भी ना मेरा दिल कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहा है। इतने प्यारे सा कलर है रेड, और ये कलर जब जूस में आएगा तो बहुत मज़े का लगता है। और पीने में भी ना आपको जो स्ट्रॉबेरी के जो दाने होते हैं और पुदीने का एक एक रिफ़्रेश सा टेस्ट बहुत मज़ा देता है, और आप एकदम ही ना फ्रेश फील करने लगते हो। बहुत मज़े का जूस है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, मैंने ना जो 7 अप की बॉटल आती है 200 मिलीलीटर की, मैंने वो इसमें शामिल कर लिया था, मैंने पानी नहीं डाला। तो तमाम चीज़ें मैंने इसमें डाल दी है, स्ट्रॉबेरी, फिर मिंट, और फिर हमारी चीनी हो गई, लेमन हो गया, नींबू का जूस, और 7 अप डाला। आप स्प्राइट भी डाल सकते, पानी भी यूज़ कर सकते, लेकिन यकीन मानिए जब आप स्प्राइट या 7 अप डालोगे ना तो अलग ही मज़ा होता है। मैंने इसे छाना नहीं है, डायरेक्टली डाल दिया है, बहुत रिफ़्रेशिंग है, इफ्तारी में आपको मज़ा आ जाएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद रखती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जूस बहुत मज़े का लगे। अल्लाह हाफिज़।